हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। एक तो एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और दोनों को आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मेथड देखिएगा क्या होगा। ऐसे वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, मैं यहाँ पर डबल वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। ये होता है सॉल्ट ब्रिज, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसका एनोड होता है, और एनोड कैसा पोल होता है, नेगेटिव पोल। लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड और एनोड होता है नेगेटिव पोल। राइट हैंड साइड में होता है कैथोड और कैथोड कौन सा होता है, पॉजिटिव पोल। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो एनोड होता है, ये कह सकते हो एनोडिक कंपार्टमेंट है, और एनोडिक कंपार्टमेंट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड में कैथोड है, ये कह सकते हो कैथोडिक कंपार्टमेंट है, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहां पे क्या होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट एंड एट एनोडिक कंपार्टमेंट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जैसे एक मेटल है, वो किसमें चला जाएगा, मेटलाइन में। मेटल है सॉलिड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटलाइन सॉल्यूशन के अंदर, मेटलाइन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1, ये मान लिया आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होता है, राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है, तो इसको हम बोल देते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे होता है रिडक्शन, यानी कोई मेटल आयन है, ये मान लिया मेटल आयन है, इधर लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज के साथ। देखा, आयनिक स्पीसीज को हमेशा सॉल्ट ब्रिज की साइड में लिखा जाता है, सॉलिड की स्पीसीज को दोनों साइड में बाहर की तरफ लिखते हैं। यहां पर लिखा मेटल आयन सॉल्यूशन, जहां पे कंसंट्रेशन है C2, और ये हो गया मेटल। तो एक सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम वर्टिकल लाइन से इसको सेपरेट किया, कौन से पार्ट को, एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट को। एनोडिक कंपार्टमेंट पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट पे रिडक्शन होता है, ठीक है। फिर ये भी लिख सकते हैं, एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट जनरली मेड अप बाय टू कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट से बने होते हैं, एक मेटल और दूसरा मेटल लाइन, और दे आर सेपरेटेड थ्रू वर्टिकल लाइन, या कोमा लगा के भी कई बार लिख दिया जाता है। मैं लिख देता हूं एनोडिक एंड कैथोडिक, ये एनोडिक हो गया जैसे मेटल और मेटल लाइन, एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट जनरली मेड बाई टू कंपोनेंट, जनरली मेड बाई टू कंपोनेंट एंड सेपरेटेड बाई ए वर्टिकल लाइन, सेपरेटेड बाई वर्टिकल लाइन, और इनको वर्टिकल लाइन है इसे सेपरेट कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे बेटा मैंने ये मान लिया एक मेटल है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको, हम एक केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एनोडिक कंपार्टमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, कैथोडिक कंपार्टमेंट है राइट हैंड साइड में लिखा, एनोडिक कंपार्टमेंट नेगेटिव पोल होता है, ये पॉजिटिव पोल होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर रिडक्शन होता है, मेटल और मेटल आयन को ऐसे लिखा जाता है, आयन को हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास में लिखते हैं। ये एक हाफ सेल होता है, ये दूसरा हाफ सेल होगा। जैसे मैंने एक हाफ सेल माना, ये हाफ सेल उस हाफ सेल में एक बार ये मान लो मेटल, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉलिड मेटल है, ये क्या मेटल आयन में एक्वा सॉल्यूशन, ये मेटल आयन ने उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, तो ये वाला कौन सा कंपार्टमेंट होगा, एनोड। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तब उसको ऐसे एनोड की साइड में ऐसे लिख लोगे, अगर उसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे मेटल आयन है एक्वा सॉल्यूशन में और ये मेटल सॉलिड में जा रहा है, तो यहां पे ये क्या होगा, कैथोड। इसको किस तरह लिखोगे, इस साइड, ठीक है। मेटल लेफ्ट हैंड साइड में बाहर की तरफ है, इसका मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, और राइट साइड में बाहर की तरफ है, इट मींस कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं दो पार्ट होते हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोडिक होता है, दूसरा कैथोडिक, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक एग्जांपल से बता रहे हैं, लिख लिया, देखिएगा।
जैसे मैंने ये माने कॉपर, एक बार उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉपर उसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है तब उस हाफ सेल को कैसे लिखा जाता है, और जब उसका रिडक्शन होता है तब कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने ये मान लिया आपके पास में कॉपर है, एग्जाम्पल मान लिया, और वो जा रहा है कॉपर प्लस टू में, इक्वस दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहां पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब यहां पे क्या क्या लिखोगे, एनोडी कंपार्टमेंट में लिखोगे इसको, कैसे लिखा जाता है? कॉपर ये सॉलिड हो गया और एक्वस आयन है, इसको सॉल्ट ब्रिज के साइड में लिख देते हैं, राइट साइड। अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन की जगह ऐसी इक्वेशन होती, इसकी रिडक्शन की होती, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके जा रहा है कॉपर में, तो यहां पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन वाले को कैसे लिखोगे? ये कॉपर प्लस टू एक्वस कॉपर, ये रिडक्शन, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में और इसको मैं डिटेल में लेके जाता हूं। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, डेनियल सेल की इक्वेशन है, जेनन सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस चेंज इन जेनन प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर। यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके लिए सेल रिएक्शन गिवन है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है जेनन प्लस टू में, यहां पे इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर लिखा जाता है? एनोडिक पार्ट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में। और यहां पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन कहां लिखा जाता है? कैथोडिक कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ऐसे लिखोगे बाहर की तरफ मेटल आयन को वर्टिकल लाइन से, या कई जगह इसको कॉमा लगा के भी लिखा हुआ, सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करते हैं, कई जगह सिंगल वर्टिकल लाइन भी सॉल्ट ब्रिज में लिखी रहती है, ठीक है ना। ये हो गया कॉपर प्लस टू, ये रिडक्शन वाला इधर आ गया कॉपर। तो ये होता बेटा एक सेल उसका रिप्रेजेंट करना। और यहां पर अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाते हैं, तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और मान लो कि कोई गैसियस इलेक्ट्रोड हो, देखो कैसे गैसियस इलेक्ट्रोड, इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड हो तो वहां पे कैसे करना है? नोट कर लिया, मिटा दे। देखिए ये मान लीजिए गैसियस इलेक्ट्रोड आपको गिवन है, जैसे हाइड्रोजन की मैं बात कर लेता हूं, हाइड्रोजन गैस बेटा, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है, रिडक्शन भी होता है। ये जा रहा है टू एच प्लस एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसको कैसे लिखोगे ऑक्सीडेशन को? एक्वस आयन है, ये तो गैस हो गया, और एक्वस आयन है, सॉल्ट ब्रिज की साइड में लिख देते हैं। अब गैस है, गैस का तो इलेक्ट्रॉन बन नहीं सकता, तो यहां पर इसके लिए आप इसको सर्किट है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको प्लेटिनम वायर है, इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो साथ में क्या लगा देंगे? प्लेटिनम वायर, लिख लो फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड टू जॉइन सर्किट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम वायर इज यूज्ड, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड टू जॉइन द सर्किट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड टू जॉइन द सर्किट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है वहां पे सर्किट को कंप्लीट करना है, तो वहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। और बेटा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड भी बनते हैं, जिसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी मेटल है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी अदर एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब्लिक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
अब्लिक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हेडिंग लिख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में SHE लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप फुल फॉर्म लिख लेना नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये आपका प्लेटिनम वायर होता है। यहां से पास की जाती है हाइड्रोजन गैस और इसकी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखते हैं 1 m कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहां पर ये प्लेटिनम वायर होता है, इसको कोटेड किया जाता है प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम वायर कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं इसको सेट करता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड है, गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता ना, तो गैस है उसको एक प्लेटिनम वायर उस पर एडजॉर्ब करवा ली और उसको कोटेड किया गया विथ प्लेटिनम ब्लैक। क्यों किया गया, हाइड्रोजन गैस इस पर जब डिपॉजिट होगी तो इसका पोलराइजेशन होने लगता है, तो अगर प्लेटिनम ब्लैक है इसकी कवरिंग कर लोगे, कोटेड कर दोगे इससे, तो उसका पोलराइजेशन रिड्यूस हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन है इसका एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, टू रिड्यूस पोलराइजेशन ऑफ प्लेटिनम, टू रिड्यूस पोलराइजेशन ऑफ प्लेटिनम, सेकेंड वन टू इंक्रीज एडजॉर्प्शन, टू इंक्रीज एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ H2 ऑन प्लेटिनम वायर, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि प्लेटिनम ब्लैक इसकी कोटिंग क्यों करते हैं, तो इसके पोलराइजेशन को डिक्रीज करने के लिए, और दूसरा हाइड्रोजन गैस है इसका एडजॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। साथ में यहां पर मैं इसके लिए कंडीशन बताता हूं, ये कंसंट्रेशन है 1 m, इसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में, और प्रेशर होता है 1 atmosphere, 1 atmospheric प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और आपको ये बता देते, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड की तरह ही बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसकी हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब दूसरे का ये पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा कैथोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसके लेक्चर भी यूट्यूब पे प्रेजेंट है, हमने अपलोड कर दिए सारे, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई गई है, उसको एक बार देख लीजिएगा, इस चैप्टर में भी आगे आएगी। तो वहां पर हमने देखा है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट होता है उसके लिए तो हाइड्रोजन एनोड होता है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले के लिए कैथोड होता है, जो अपर होता है ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो तो होगा एनोड, और लोअर वाला क्या हो जाएगा कैथोड, ठीक है। तो नोट लगा के लिखिएगा, नोट में लिखेंगे
फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, लिखो फॉर कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड मेक ए कंप्लीट सेट। ठीक है, तो बेटा हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है जिसको प्लेटिनम वायर पर एडजॉर्ब किया जाता है। इसका एडजॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कोटिंग की जाती है प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करने से इसका एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आपको बताया फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड मेक ए कंप्लीट सेल। अकेले का तो पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं होता, उसको कंप्लीट बनाया जाता है, जिसको आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक, और ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब किसके केस में किसकी तरह बिहेव करता है, इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड फॉर द लोअर एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन ईसीएस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो ये बताया हुआ हाइड्रोजन है ईसीएस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे जिंक ऊपर होता है कॉपर नीचे होता है, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। तो यहां पर अपर वाले के लिए तो क्या होगा, ये कैथोड, ऊपर वाला एनोड होता है नीचे वाला कैथोड, तो जिंक के लिए तो क्या हो जाएगा कैथोड, और कॉपर की कंपेरिजन में अपर है तो इसके लिए क्या होगा एनोड। तो लिखेंगे इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ लोअर एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन इट एक्ट एज एनोड। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, ऐसे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड की तरह। एस टू किस में जाएगा, 2s+, +2 इलेक्ट्रॉन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लेटिनम एस टू गैस और एक्वस स्पीसीज है आयन, उसको किधर रखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज की साइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट बता देते हैं। If standard hydrogen electrode connect with upper element in electrochemical series, then it act as cathode. तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और कैथोड पे क्या होगा इसका रिडक्शन, देखो जो हो जाएगा 2H+ है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा H2 में। कैसे रिप्रेजेंट करें, H+ आयन इधर, H2 बाहर की साइड, फिर किससे कनेक्ट करोगे प्लेटिन। ठीक है, और बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अज्यूम्ड जीरो, होता नहीं है माना जाता है, ये ध्यान में रख लेना। एक लाइन और लिख देता हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, तभी इसकी हेल्प से अदर जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज अज्यूम्ड जीरो, होता नहीं है फिर बोल रहा हूं मैं, माना जाता है, कितना मानोगे, जीरो मान के करना। फिर से बता रही हम बेटा क्या पढ़ रहे, हम पढ़ रहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
तो एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, दूसरा कैथोडिक। एनोडिक और कैथोडिक में भी दो कंपोनेंट होते हैं, मेटल और उसका आयन, उसको भी जनरली बोल रहा हूँ, उनको भी वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके लिख लेते हैं। गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर देते हैं। फिर आपको बताया एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता, ऑलमोस्ट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना होता, कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 एम। कंसंट्रेशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंडीशन ही है। कंसंट्रेशन भी साथ में कितनी रखनी है 1 एम, एस प्लस आयन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, तो इसको प्लेटिनम वायरस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं, और इसके पोलराइजेशन को रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए प्लेटिनम ब्लैक इसकी कोटिंग कर देते हैं, जिससे एडजॉर्प्शन बढ़ जाता, पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को काम में लेंगे, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका ई कितना एज्यूम्ड होता है 0। तो ये अपने से ऊपर वाले के लिए तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, एक कंप्लीट सेल बना, क्योंकि हाफ सेल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। कोई अकेला मेटल दे दिया और आपको बोला जाए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताओ, तो कैसे बता सकते हो, जब सर्किट बनेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और हाइड्रोजन के साथ में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही मेटल का मानोगे, क्योंकि इसका खुद का तो कितना मान रहे हो 0, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोमल इलेक्ट्रोड, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्लोमल इलेक्ट्रोड, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वैसे ही क्लोमल इलेक्ट्रोड होता है। इसकी हेल्प से भी दूसरा कोई एलिमेंट है या मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोमल इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्लोमल इलेक्ट्रोड बनाने इस टाइप का एक इलेक्ट्रोड है, ऐसे एक इलेक्ट्रोड होता है, ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, यहां पे प्रेजेंट होता मरकरी, मरकरी लिक्विड, यहां पे प्रेजेंट होता पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 प्लस Hg, साथ में यहां पर प्रेजेंट होता क्लोराइड आयन, और क्लोराइड होता यहां पे रिवर्सिबल है, क्लोराइड आयन, यहां पे क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन होता है, इसके साथ में रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये होता है क्लोमल इलेक्ट्रोड, और यहां पर ये क्लोमल इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर हमने ये देखा क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, इसके रेस्पेक्ट में होता है रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन। साथ में यहां पर अगर पोटेशियम क्लोराइड है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले ले, तो यहां पर ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिलता है 0.2415 वोल्ट, इतना होता है, जबकि हाइड्रोजन का कितना ज्यूम किया जाता है 0, ठीक है, जूम किया जाता होता नहीं, ठीक है। इट मींस हम ये कह सकते हैं क्लोराइड आयन है, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इसका इलेक्ट्रोन पोटेंशियल वो डिपेंड करता है। तो लिखेंगे इट इज रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन इसके रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट सॉरी, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl इज यूज्ड, पोटेशियम क्लोराइड इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आपने यूज में ले लिया तो इसको बोल देते हैं सैचुरेटेड क्लोमल इलेक्ट्रोड। इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड क्लोमल इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड क्लोमल इलेक्ट्रोड। तो उस कंडीशन में इसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड क्लोमल इलेक्ट्रोड, क्लियर हो गया। और यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सैचुरेटेड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.2415 वोल्ट, ये होगा, ठीक है। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ क्लोमल इलेक्ट्रोड, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर क्लोमल इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिपेंड करता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ क्लोमल इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ
ऑफ क्लॉमल इलेक्ट्रोड, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। यहां पे जो क्लोराइड आयन आप ले रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन पे इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है। और बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये भी कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। बेटा जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लोगे वो एनोड की तरह भी एक्ट करेगा और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, क्लॉमल इलेक्ट्रोड कनेक्ट एज कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। और आप ये जाते हो कैथोड इसके ऊपर और एनोड पे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये मान लिया आपने एनोड की तरह बिहेव किया, तो एनोड पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा देखो HCl लिक्विड प्लस Cl नेगेटिव, किसका फॉर्मेशन करेंगे Hg2Cl2, इसका पेस्ट बना लेंगे, सॉलिड पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, इससे फॉर्मेशन होगा Hg2Cl2। साथ में क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होंगे, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सॉलिड स्पीसीज और प्योर लिक्विड स्पीसीज है उसको तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और जो एक्वस स्पीसीज है या जो आयन बनता है उसको सॉलिड्स की साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Hg लिक्विड है, साथ में Hg2Cl2 सॉलिड है, और क्या होगा Cl नेगेटिव। बेटा इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इन्वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो 2 था, हमने 2 नहीं लिखा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। इट एक्ट एज कैथोड, कनेक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, और हम जानते हैं कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में रिएक्शन होगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। रिडक्शन वाला उसको किधर लिखते हैं अपन, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज की साइड में किसको लिखोगे आयन को, वही है सेम, जस्ट उल्टा हो जाएगा Hg2Cl2 सॉलिड और Hg लिक्विड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्लॉमल इलेक्ट्रोड दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्लॉमल इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्लॉमल इलेक्ट्रोड ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेरिजन में बेटर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपेरिजन में बेटर क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रेशर कितना रखना पड़ता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन रखना पड़ता है, जो मेंटेन रखना मुश्किल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर लिखवाते हैं। तो लिखेंगे कि क्लॉमल इलेक्ट्रॉन ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, लिख लिया, मिटा दे। तो हम क्या लिखेंगे, क्लॉमल इलेक्ट्रोड इज बेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज इजी टू मेंटेन, ये मेंटेन रखना इजी है, बिकॉज इट इज इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन रखना इजी है। साथ में ये कह सकते हैं इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट इजी, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रेशर
इज नॉट इज, ये इजी नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे क्लॉमल इलेक्ट्रोड होता है वैसे एक सिल्वर इलेक्ट्रोड भी होता है। नेक्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बता दिया, यहां पे बता देता हूं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कि नेक्स्ट है सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिल्वर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, एजी होता है, सिल्वर है सॉलिड प्लस होता है सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट होता है, वो इसके अंदर सेम क्लोराइड आयन है ये भी प्रेजेंट होगा इक्वस, ये भी एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे ये वाला बिहेव कर रहा है एनोड और कैथोड की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे ये भी एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, सेम रिएक्शन होती है। देखो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, पहली रिएक्शन बता रहे एट एनोड, एजी है सी ए नेगेटिव के साथ में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, AgCl बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये होगा Ag सॉलिड साथ में AgCl। ऐसी रिएक्शन कहां पर होगी, नेक्स्ट रिएक्शन कैथोड पे देख लो, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन में ये वाली रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाती है, AgCl इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें जाएगा Ag सॉलिड प्लस सी ए नेगेटिव एक्वस। तो यहां पे इसको जस्ट इनवर्स लिख दो, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन वाला किधर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, AgCl और Ag सॉलिड, ठीक है। तो ये था बेटा आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है, क्लॉमल इलेक्ट्रोड हो सकता है और सिल्वर इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉमल इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विच वन इज बेटर, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटर होता है किसके कंपेरिजन में, क्लॉमल में, क्योंकि इसको मेंटेन करना ईजी होता है, साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ता है जिसको मेंटेन करना इजी नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में दो पॉइंट और बता देता हूं आपको, नोट लगा के लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, फिर हम इस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं लिख देता हूं नोट लगाकर। इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ in representation of a cell, stoichiometric coefficient are not used. आपके पास में देखो यहां पर ये मान लो कि ये नंबर आता है 2Cl2Ag, तो यहां पर इनको नहीं लिखा जाता, रिएक्शन को बैलेंस करने में आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज में लेते हो लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन में इसको काम में नहीं रहते हैं। साथ में एक्वस स्पीसीज हो, केवल एक्वस स्पीसीज हो या फिर गैसेज स्पीसीज हो, तो सर्किट को ज्वाइन करने के लिए प्लेटिनम वायर को यूज में लेते हैं। सेकंड लिखिएगा इन बोथ आर इक्वस स्पीसीज, बोथ आर इक्वस स्पीसीज, देन टू ज्वाइन सर्किट प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम इज यूज्ड, और हाइड्रो गैसेस स्पीसीज है तब भी किसको लेते हो आप, प्लेटिनम वायर है इसको यूज में लेते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसमें पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, चलो अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे गिव द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, गिव द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है Give correct cell representation for following
रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं, उसके लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट है कॉपर, सॉरी जिंक, ये सॉलिड है, कॉपर प्लस टू एक्वस, आयन होता बेटा वो एक्वस है, जेनन प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर। इसके लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में लिखोगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट राइट साइड में लिखोगे, एंड बोथ आर सेपरेटेड थ्रू वर्टिकल लाइन विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब देखिए यहां पर एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, इधर एनोडिक कंपार्टमेंट है, इधर कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोड के ऊपर होता ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, जिंक कन्वर्टिंग Zn प्लस टू, एक्वस स्पीसीज है उसको सॉल्ट ब्रिज के पास में लिखना है, सॉलिड को बाहर की तरफ लिखना है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इन्वॉल्व्ड। फिर यहां पर कॉपर है, इसका देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है ना, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन एज रिडक्शन, तो ये होगा इसका रिडक्शन, कॉपर प्लस टू एक्वस, ये बन गया आपका कॉपर सेल रिप्रेजेंटेशन, नोट कर लीजिए। और बताते हैं एक एग्जांपल और दे रहे, थ्री कॉपर सल्फेट प्लस टू एल्यूमिनियम चेंज इन Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस 3 Cu, ये तो होगा सॉलिड कॉपर, ये एक्वस होता है, ये सॉलिड है, ये एक्वस बेटा, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो कॉपर प्लस टू सल्फेट है, या यहां पर एल्यूमिनियम प्लस 3 है, इसको लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान में क्या रख रहे हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इन्वॉल्व्ड। बनाइए यहां पे देखो, कॉपर है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर सल्फेट में प्लस 2, एल्यूमिनियम यहां पे कितना है 0, यहां पे एल्यूमिनियम किसमें चला गया प्लस 3, कॉपर किसमें चला गया 0। तो हमने यहां पर यह देखा एल्यूमिनियम 0 से किसमें जा रहा प्लस 3 में, यहां पर इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ये प्लस टू से किसमें जा रहा है 0 में, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन, ये होगा रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम सॉलिड, फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस, फिर कॉपर प्लस 2 एक्वस और कॉपर। बेटा यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, बस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, लिख लिया, एक और करवाते हैं, आप कीजिएगा इसको। देखिए Sn प्लस टू इक्वल्स एंड Fe प्लस 3 इक्वल्स, ये जा रहे हैं Sn प्लस 4 इक्वल्स एंड 2 Fe प्लस 2। सेल का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, कर लिया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, Sn प्लस 2 किसमें जा रहा है Sn प्लस 4 में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां पे देखोगे Fe प्लस 3 प्लस 2 में जा रहा है, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। सेल को रिप्रेजेंट करोगे, बेटा दोनों एक्वस स्पीसीज है, और हमने लिखा था लास्ट में नोट लगा के, एक्वस स्पीसीज है उसको किस साइड में लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज के पास में लिखते हैं, और कनेक्ट विथ प्लेटिनम, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम से कनेक्ट कर दोगे Sn प्लस 2 Sn प्लस 4, ऐसे Fe प्लस 3 एक्वस और Fe प्लस 2 एक्वस, सारी एक्वस स्पीसीज है, तो कनेक्ट विथ सर्किट इज ज्वाइन बाय प्लेटिनम वायर। ठीक है, फोर्थ लिखिएगा, इसको बताइए H2 प्लस Cl2 2HCl एक्वस, और ये गैस है। सेल का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बहुत इजी है, कर लोगे, ट्राई करते रहिएगा।
किया, देखिएगा यहां पे H2 प्लस Cl2, H2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0, H यहां पे प्लस 1 में, Cl माइनस में, तो 0 से प्लस में गया ऑक्सीडेशन, ये 0 से माइनस में गया, इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का लेफ्ट हैंड साइड गैस है तो किससे कनेक्ट करोगे, प्लेटिनम, किसमें रहेगा H प्लस, ये कौन सा होगा आयन में, Cl माइनस, कौन सा रहेगा Cl2, ये भी गैस है ज्वाइन विथ प्लेटिनम, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बिटा दे और करवाते, देखिएगा ये दे रखा है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज एनओ3, टू AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag, बनाइए सेल का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो NOD कंपार्टमेंट और कैथोड, NOD पे होता ऑक्सीडेशन, कॉपर 0 सिल्वर प्लस 1, यहां पे जा रहा है प्लस 2 और ये किसमें गया 0, तो 0 से प्लस 2 में गया, यहां पे इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, प्लस वन से जीरो में गया तो यहां पे इसका क्या हो गया रिडक्शन, तो देखो इधर एनोडी कंपार्टमेंट है, ऑक्सीडेशन लिखो कॉपर, कॉपर प्लस टू, ये एक प्लस पंदर की तरफ लिखोगे, और एजी प्लस किसमें चला गया एजी, बेटा कई बार ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है फिर आपसे पूछा जाता है कि उसके लिए सेल रिएक्शन लिखो, तो सिंपल है ये हाफ रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन कैथोड, बस रिएक्शन को बैलेंस करना, लेकिन वहां पर बैलेंस करना हम रेडॉक्स रिएक्शन में सीख चुके हैं, उसके लेक्चर यूट्यूब पे डाल चुके हैं, कंपटीशन नीट लगाइएगा, रेडॉक्स रिएक्शन डालिएगा, उस पर बैलेंस करना सिखा चुके हैं, क्लियर है, फिर बताते हैं इसका कीजिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है नंबर है, जिंक प्लस H2SO4 एक्वस, ये सॉलिड है जिंक, ये एक्वस स्पीसीज है, ये जा रहा है जिंक सल्फेट एक्वस प्लस H2, बनाइएगा इसको, देखो यहां पर जिंक कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिंक यहां पे प्रेजेंट है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन कौन से में प्लस वन, एक एस प्लस वन, यहां पे किसमें हो गया प्लस टू, यहां पे किसमें गया जीरो, जिंक यहां पे इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, क्या होता है रिडक्शन, जिंक जेडन प्लस टू, जिंक सॉलिड है बाहर की तरफ, एक्वस स्पीसीज को नियर टू सॉल्ट ब्रिज, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज में नहीं लेते, और H2 तो गैस होता है बेटा, तो इसके लिए हम क्या ऐड करोगे प्लेटिनम, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्ट होते हैं एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट, कैथोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट साइड में रखोगे, एनोडिक कंपार्टमेंट को राइट साइड में रखोगे, ठीक है, एक्वस स्पीसीज को सॉल्ट ब्रिज के पास रखना, सॉलिड और प्योर लिक्विड को बाहर की तरफ रख देना, अगर वहां पे सभी एक्वस स्पीसीज है तो कनेक्ट करना आपको प्लेटिनम से, गैसेस स्पीसीज आ गई गैसेस इलेक्ट्रोड आ गए तब भी आपको क्या लगाना है इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, फिर हमने तीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़े हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्लामल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वहां पर क्या करते हैं प्लेटिनम की ऊपर हाइड्रोजन गैस है उसको अब्जॉर्ब करवाते हैं, उसके लिए प्लेटिनम ब्लैक है उसकी कोटिंग करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग क्यों की जाती है प्लेटिनम है उसके पोलराइजेशन को कम करने के लिए, साथ में हाइड्रोजन उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए, और हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसिडर किया जाता है जीरो माना जाता है अज्यूम्ड होता है, क्वेश्चन पूछा गया मेडिकल में कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जीरो या अज्यूम्ड जीरो, तो क्या होगा अज्यूम्ड जीरो, ठीक है, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो किसी भी एलिमेंट का तो बेटा अकेले एलिमेंट से तो हाफ रिएक्शन ही बनेगी, जब तक कंप्लीट सेल नहीं बनेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो हम उसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो पोटेंशियल उसका आएगा वही उस एलिमेंट का कंसिडर होगा, क्यों क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो माना जाता है,
क्लियर हो गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है। किसके साथ एनोड होगा, किसके साथ कैथोड होगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अपर एलिमेंट है और हाइड्रोजन नीचे रह गया, तो ऊपर वाला एनोड होगा, नीचे वाला कैथोड। अगर हाइड्रोजन यहां पे फिर नीचे वाले एलिमेंट के साथ में, तो अब हाइड्रोजन एनोड बन जाएगा, नीचे वाला कैथोड। यानी अपर एलिमेंट एनोड की तरह बिहेव करता है और लोअर एलिमेंट कैथोड। फिर हमने लिया था क्लोमल इलेक्ट्रोड। क्लोमल है, वो भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन से बेटर है क्योंकि इसको मेंटेन करना इजी है, जबकि हाइड्रोजन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना होता है, वो इजी नहीं होता। ऐसे ही सिमिलर होता है सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर हमने सेल को ऐसे सेल रिएक्शन गिवन हो तो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये दे रखा हो तो इसे सेल रिएक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, ये एनोड है, ये हाफ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन की लिख लो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।